देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा हाई है। पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और अब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के दोनों मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं। बुधवार को तो सीएम केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि शराब नीति एक बहाना है, केंद्र सरकार का असली मकसद दिल्ली में तेजी से चल रहे काम को रोकना है। दरअसल शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड पर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आपने प्रदर्शन की योजना बनाई है। इसी बीच बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर केंद्र और बीजेपी पर निशाना साधा, साथ ही दावा किया कि अगर सत्येंद्र जैन और सिसोदिया बीजेपी में शामिल होने के लिए राजी हो जाए तो उनको सभी केस से रिहा कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि शराब नीति बहाना है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। असल में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में हो रहा अच्छा काम रुक जाए। हमने सबसे अच्छा काम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किया है। उन्होंने दोनों मंत्रियों को जेल में डाल दिया, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि काम नहीं रुकेगा। उनका कहना है कि ये मुद्दा भ्रष्टाचार का नहीं है, ये काम रोकने के लिए ईडी और सीबीआई को भेजने का है। अगर वो राजी हो जाए तो उनको सभी केस से रिहा कर दिया जाएगा। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये तय किया गया है कि आप डोर टू डोर प्रचार करेगी, उनके कार्यकर्ता हर घर जाएंगे और हर व्यक्ति से बात करेंगे, साथ ही सबको बताएंगे कि पीएम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये वैसा ही है जैसे इंदिरा गांधी ने किया था। लोग एक जवाब देंगे, वो सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलए और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे हम, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। वही मुख्यमंत्री के मुताबिक बीजेपी आरोप लगा रही कि सिसोदिया ने घोटाले किए हैं। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला तो कभी इसे 10,000 करोड़ का घोटाला बता देते हैं, लेकिन सिसोदिया और उनके रिश्तेदारों के घर जब रेड पड़ी तो 10,000 रुपए तक नहीं मिले, बैंक लॉकर में जेवर भी नहीं मिला, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1,000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला। भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में 1-2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं, 1-2 लाख, 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहाँ? तो कहाँ से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है। बता दें कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी में इंदिरा गांधी वाला घमंड दिख रहा है। एक समय पर इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, अब नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं रोजाना हजारों लोगों से मुलाकात करता हूं। जनता में भी गिरफ्तारी को लेकर भारी रोष है। जनता कह रही है कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी जेल में डाल देते हैं। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने साफ कहा कि शराब नीति बहाना है, इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। इस पूरी खबर से आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली टाइम्स।